चलो हर हर महादेव। त्रिपुरा से तुम? मैं उत्तराखंड वाले उत्तराखंड गाइड हूँ। उत्तराखंड गाइड हो, आपका नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। 9557105। और भाई लोग देखो यहाँ पे देसी जुगाड़ चल रहा है, इसे दिखाओ एक बार। पूरा ये सोल फट के आ गया है तो इसको रस्सी से बांध के अभी ऊपर चढ़ने वाला है सपंदा। तो मैंने तो शू नहीं लिया है, प्रॉक्स का शू लाया, यही एनफ है मेरे लिए। बस और भी 3-4 घंटा तो लग जाएगा रुद्रनाथ पहुँचते पहुँचते। और एक बात, ल्यूटी बोगियाल में ही लास्ट पानी मिलता है कि कल सुबह 8:46 को हम लोग निकला था, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:46, अभी भी ट्रैकिंग जारी है। देखो सामने का रास्ता और नीचे का रास्ता। सो गाइस वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। यहाँ जो व्यू देख रहे हो, ये जगह का नाम है गोपेश्वर। तो हम लोग जो सफ़र का स्टार्ट किया था वो था 12th of September 2024। त्रिपुरा से हम लोग निकला था, पहले दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद वहाँ से हरिद्वार आ गया। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए हम लोग गोपेश्वर आके पहुँचा कल रात को। हम लोग आज जो पैदल सफ़र शुरू करने वाला हो वहाँ पे शायद करंट नहीं होगा, तो मुझे अभी गोप्रो को चार्ज देना पड़ेगा। 2 दिन हम लोग ऐसे ही बिताना है। अभी तक जितना खर्चा हुआ है मुझे पूरा सफ़र में, मैं डिटेल्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। और क्या बताऊँ, अभी अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। आज से जर्नी शुरू होगा, हम लोग 22 तक घूमेंगे पूरा। 6 दिन हम लोगों का हाथ में है। 6 दिन में हम लोग जाएंगे रुद्रनाथ ट्रैक के लिए, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मद महेश्वर और बद्रीनाथ। तो ये है सागर विलेज, यहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैकिंग शुरू होता है। हम लोग इस तरफ से जाएंगे अभी, और यहाँ का नज़ारा देखो। तो हम लोगों का जर्नी यहाँ से शुरू हो चुका है। यहाँ पे एंट्रेंस है और शुरू से इतना चढ़ाई है, कम से कम 7-8 घंटा तो लग जाएगा। तो हम लोग सपोर्ट के लिए ये रेन में ले चुका हूँ। गोपेश्वर से इस जगह का डिस्टेंस है लगभग 5.5 किलोमीटर। तो हम लोग शेयर कार से आ चुका हूँ। इसका जो कॉस्ट लगा है हम लोगों को 20 रुपीज़ पर हेड। और अगर हम लोग, मतलब बोलने में भी थकान हो रहा है अभी, पता नहीं कब पहुँचेंगे। चलो तो भाई लोग अभी टाइम हो चुका है 8:43। तो हम लोग 5 मिनट पहले से जर्नी स्टार्ट किया, देखता हूँ कितना बचता है हम लोगों को जाते जाते। इसका जो डिस्टेंस होगा वो 22.5 ऐसा होगा कुछ, पता नहीं एग्जैक्टली। और यहाँ पे है हम लोगों का गाइड चौबंदा, जो हम लोगों को मोटिवेट करते हुए यहाँ तक लेके आ गया। और ये देखो कल्याण, पूरा रास्ता में उसको टेंशन ही टेंशन है। अभी चार्ज शुरू होती है, चलो ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी मेरा चार्ज कम होता जा रहा है। ऊपर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊंगा। चलो भाई साहब, पूरा हालत खराब हो चुका है। तो गाइस हम लोग आधी रास्ते नहीं, सिर्फ 2 ही किलोमीटर चढ़ चुका हूँ अभी तक। और यहाँ पे एक दादाजी का एक स्टॉल मिला है, यहाँ पे कुछ लस्सी वगैरह हम लोग पियेंगे। जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही स्टीप बढ़ता जा रहा है। मैं जब आ रहा था घर से तो सोच रहा था कि पहाड़ के बीचों बीच रास्ते में भटक तो नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद देख रहा हूँ कि पूरा रास्ता में ही ऐसा पत्थर का बना हुआ है, नीचे से लेके सागर विलेज से पूरा रुद्रनाथ तक ऐसा ही मिलेगा। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है,
रास्ता तो अच्छा है, सिर्फ दम होना चाहिए, दम होने से आराम से जा सकते हो। ये देखो व्यू, हम लोग उस नीचे से आया अभी। देखो रुद्रनाथ का जो ट्रैक है कुछ ऐसा ही है, रास्ता में कोई नहीं मिलेगा। जो पंचगदर है उत्तराखंड में, तो उसमें से एक टफेस्ट ट्रैक माना जाता है इसको। देखो इतना इंक्लाइन स्लोप है, और मेरा दोस्त का हालात बहुत बुरा हो चुका है, और हम लोग बीचों बीच यहाँ पे थोड़ा सा शेड है तो हम लोग रुका हुआ यहाँ पे। कम से कम 3 to 4 किलोमीटर हम लोग तो आ चुका हूँ। तो सुबह हम लोग 8:30 को निकला था, अभी बज चुका है 10:35। एक बार ऊपर चढ़ने के बाद उसके बाद तो प्लेन लैंड में ही हम लोगों को वॉकिंग करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। कभी सोचा नहीं था कि इतना पहाड़ के ऊपर एक दिन ट्रैकिंग करने के लिए आऊँगा। देखो हम लोग जो नीचे से देख रहा था पहाड़ का चोटी, उसका करीब करीब आ चुका हूँ हम लोग। ये जो पानी है पूरा प्योर है, पहाड़ से गिरते हुए यहाँ पे आ रहा है, और हम लोग इसको पीने वाला होगी। रास्ते में बीच बीच में ऐसा कुछ स्टॉल मिल जाएगा, उसमें फूड वगैरह आप खा सकते हो। हम लोग लगभग ऊपर आ चुका हूँ, और थोड़ी देर में हम लोग चोटी में पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है 11। काफ़ी सुनसान है ये जगह। सपंदा थोड़ा सा सामने जा चुका है, मैं उसका पीछे पीछे जा रहा हूँ, और कल्याण हम लोगों का पीछे है, वो आ रहा है धीरे धीरे से। हम लोग अभी तक बहुत सामने जा चुका होता, लेकिन कल्याण जो है वो काफ़ी देर कर रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद पहुंच चुका है भाई। मिल गया, बहुत हौसला दिया हमें। हर हर महादेव, चलते रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो बैटरी है पूरा डाउन हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी पाइन फॉरेस्ट नहीं आया है, थोड़ी दूर में मिल जाएगा पाइन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे मज़ा आ जाएगा। देखो भाई, रुद्रनाथ जाने के लिए इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। लगभग हम लोग 4 किलोमीटर चढ़ चुका हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली कितना चढ़ चुका हूँ हम लोग। भाई इस जगह का सीनरी थोड़ा सा देख लो, चारों तरफ पहाड़ और हम लोग बीच में। इस साइड से हम लोग आया, और यहाँ पे एक मंगलम होटल बोल के है, यहाँ पे टेंट वगैरह मिल जाता है। और सामने देखो एक छोटा सा कुत्ता। बहुत ही सुंदर है ये, देखो। तो जो लोग 3-4 दिन में कंप्लीट करता है इस ट्रैक को, वो लोग पहले दिन यहाँ पे रुक जाता है। ओ भाई साहब, क्या व्यू है। ये डिस्टेंस कितना होगा 4 किलोमीटर सागर विलेज से? तो हम लोग 4 किलोमीटर ही सिर्फ चढ़ाओ। इस पहाड़ जो दिख रहा है ना, इसका ऑपोजिट साइड में है रुद्रनाथ का टेंपल। हम लोग अभी इस पहाड़ के बीचों बीच से ऐसे चढ़ के ऊपर जाने वाला हो। तो यहाँ पे सामने हम लोगों को एक ग्रुप मिल गया, उन लोगों के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन सही है, मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है, तो सामने जाके पूरा चढ़ाई है, तो सावधानी से हम लोगों को जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। ये जो घिंगारू बोलते हैं, इसको घिंगारू इसको खा सकते हैं ना? एनर्जी मिलेगा खाने से। आप कहाँ से? हाँ त्रिपुरा। ये देखो हम लोग पहाड़ में चल रहे हो अभी,
सीनरी। ये पहाड़ के बीच में एंटर करने के बाद ही ये सब बड़ा बड़ा पेड़ दिखने शुरू हो चुका है, और पानी का शोर इतना ज़्यादा है हर तरफ। ये लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाला है हम लोगों का। अब भैया सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक आने में, और पीछे कल्याण आ रहा है। अच्छा बात है कि हम लोगों को एक ग्रुप मिला है सामने, उन लोगों का घर यहाँ पे नज़दीकी है, तो उन लोगों के साथ हम लोग जा रहा हूँ। यहाँ पे है एक वाटर क्रॉसिंग। हर तरफ पानी और पूरा जंगल के बीचों बीच मजा आ गया। तो बंदा बोलन हर हर महादेव। चलो यहाँ पे सब लोग खा पी रहा है देखो, और साथ में टेंट लगा हुआ है। लोगों का जो थोड़ा खाना पीना हो चुका है, अभी हम लोग फिर से चराई पे चढ़ रहा हो। इस जगह का व्यू देखो कितना सुनसान, और मतलब इतना नेचुरल है क्या ही बताओ। तो पीछे हम लोगों को बहुत सारा लोग मिला है, कलकत्ता से भी मिला है, और गुजरात से भी एक आंटी और अंकल को भी मिला है। उन लोगों का एज भी 60 तो होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो उन लोग भी ये रुद्रनाथ ट्रैक कर रहा है, काफ़ी हौसला मिला है उन लोगों को देख के। अभी जाके थोड़ी सी सुकून मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी जो नेचुरल पानी है उसी अपना फेस वॉश कर लिया। और देखो सीनरी क्या सीन है भाई। अभी हम लोग पहाड़ की चोटी के पास आ चुके हो, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा जो पहाड़ का चोटी दिखाई दे रहा था ना अभी कुछ देर पहले, ये चोटी का ऊपर आ चुका हूँ हम लोग। देख लो भाई सामने ही है चोटी पहाड़ का। जो पोखरा है नेपाल का उस साइड का मैंने वीडियो देखा था, ये देखो पहाड़ का चोटी यहाँ पे ही है। थोड़ी सी दूर जाने से हम पहाड़ का चोटी में पहुँच जाएंगे। और भाई क्या सीन है देखो भाई, गोपेश्वर विलेज, और हम लोग चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर आ चुका हूँ। अभी तो पैर में दर्द भी नहीं हो रहा है क्योंकि पैदल चलते चलते यूज़ टू हो चुका हूँ, अभी बहुत सुकून मिल रहा है। पाइन फॉरेस्ट अभी तक नहीं मिला हम लोगों को। स्वपन दा सामने है, मैं उसको फॉलो करते जा रहा हूँ। हर हर महादेव। यहाँ पे रास्ते में हम लोगों को मैगी मिला है, चावल भी था लेकिन हम लोग मैगी ही खाया। हर किसी के बात नहीं रुद्रनाथ ट्रैकिंग, उसके लिए बहुत ही फिट होना ज़रूरी है, नहीं तो पैदल नहीं आ सकते हो। अभी हो चुका है 12:22। आ जाओ सौंदा कल्याण से ना। हाँ 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 ज़रूर। सब आ रहा है। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी दो भैया आया था, बोल रहा था कि हम लोग सिर्फ 25% ही चढ़ा हो और भी 75% बाकी है, पता नहीं कब पहुँचूँगा। ये देखो जो चट्टान है उसका ऊपर जाना है, इसका जो स्लोप पूरा इंक्लाइंड। कल्याण साहब मेहनत करते हुए पहाड़ पे चढ़ रहा है। हाँ वो तो फेंकना नहीं चाहिए।
कहाँ से आए हो भाई? नैनीताल से। देखो क्या फेंक के जाता है लोग, अच्छा नहीं लगता यार। देखो अभी हम लोग जो पहाड़ देख रहा था ना दूर से विलेज से, उसका एकदम इंक्लाइन स्लोप में ही हो हम लोग, इसलिए पहाड़ को आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। मेरा सांस फूकने लगा है, देखो क्या स्लोप है भाई, हालत ख़राब नहीं है। हम लोग चढ़ते जा रहे हो, बोलने में बहुत दिक्कत आ रहा है। मैं तो चाहूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो ही दिखा दो, लेकिन मेरा जो GoPro का बैटरी इतना अलाउ नहीं करेगा, बैटरी ड्रेन होते जा रहा है और मैं चढ़ते ही जा रहा हूँ। देखो ये पहाड़ आ गया हम लोगों का सामने, तो इस पहाड़ का चोटी को हम लोग नीचे से देख रहा था कि उसमें चढ़ना है, जितना ऊपर चढ़ रहा हो ये चोटी भी उतना ही ऊपर जा रहा है। और हर हर महादेव। त्रिपुरा से तुम? मैं उत्तराखंड वाले उत्तराखंड गाइड हूँ। उत्तराखंड गाइड? ओ किसी को भी उत्तराखंड गाइड चाहिए होगा ना, उत्तराखंड में पांच केदार चाहिए होगा। हाँ, मैं कराता हूँ पांच केदार चार धाम। ओ ये ओम पर्वत या फ्लावर्स वैली। आपका नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। 9557105930। ठीक है आप लोग सेव कर लेना नंबर को। आपका नाम? अंशु। मेरा नंबर है 9557105930। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो तो ओके मिलता हूँ फिर। मेरा चाहे एग्रीटेक। चलो ठीक है, मेरा नंबर है, मैसेज करना, मैं भेज रहा। ठीक है, थैंक यू। चलो मुझे तो लग रहा है यहाँ से और भी 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, पता नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग पहुंच चुका हूं ना, मोले पहुंच चुका हूं। আশা করছি এখন পৌঁছে এখন না 1 কিমি আর একটা দিতে হবে। লোক কেসে চল রহে দেখো, আর তো সময় সময় লাগছিল, এখন মনছে কত নিচেতে কি দেখো, আর টুটি গেলে সময় সময় হয়ে যায়। ये कारगिल का वार का जो बादल का बीच चट्टान है ना, इसकी तरह ही दिख रहा है। नीचे की तरफ नहीं देखने वाला हूँ मैं, चक्कर आता है, चक्कर आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ये है ल्यूटी बोगियाल। और चढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चढ़ना तो होगा। वो है ल्यूटी बोगियाल, उसका ऊपर, उसका वो नहीं, उसका ऊपर शायद वहाँ पे चढ़ने के बाद पता चलेगा कि और एक पार है। देखो यहाँ पे हम लोग। हाय ओमलान भाई, तुम्हारा नाम? सुधांशु भाई। और मेरा नाम तो आपको पता है, कल्याण भाई तो कहाँ है पता नहीं अभी भी, अभी आ रहे हैं। और हम लोगों का जो साथी था और एक सपन दा, वो बहुत आगे, उसको दिख ही नहीं रहा हो कब से, वो क्या प्रोफेशनल ट्रेकर है। नहीं, रोड का हालत कैसा है थोड़ा सा बता दो आप लोग। रोड एकदम आगे पीछे नहीं है, ऊपर नीचे है, सीधा ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, हर हर महादेव। उठो उठो उठो, हम लोग पूरा चट्टान पे आ चुका हूँ। यहाँ पे और पीछे जो पहाड़ का चोटी दिखाई दे रहा है ना, उसका ऊपर ही है ल्यूटी बोगियाल। और हम लोग चढ़ते जा रहा हूँ, कितना ऊपर आ चुका हूँ, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जगह का नाम है मौली बोगियाल, सूरज का रोशनी। अरे कितना सुंदर है, बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो यहाँ से जो ल्यूटी बोगियाल है वो उसका डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर। अभी हम लोग जा रहा हो कोइलाश एडवेंचर बेस कैंप। काफ़ी सुंदर है ये जगह, ये देखो। पहले सोचा था कि वो वाला चट्टानी है सबसे ऊपर, अभी चढ़ के देख रहा हूँ कि वहाँ पे चढ़ना है हम लोगों को। यहाँ से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो होगा ऊंचाई। ये है ल्यूटी बोगियाल, हम लोग यहाँ पे आज ठहरने वाले हैं। ये देखो यहाँ का सीनरी। तो कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल के 4-5 बजे निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को इस पहाड़ का ऊपर चढ़ना है। उस जगह का नाम है पित्रधर, कुछ ऐसा होगा पित्रधर। तो वहाँ से जाके हम लोग रुद्रनाथ जाएंगे। और आज का जर्नी बहुत ही खतरनाक था, लगभग 12 किलोमीटर हम लोग जर्नी किया। यहाँ नीचे ये जो नीचे दिख रहा है ना, वहाँ से हम लोग आया था। बहुत दूर है, मतलब इतना खराब रास्ता है क्या बताओ। तो व्यू देखना तो उस तरफ देखो, यहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है ल्यूटी बोगियाल। यहाँ से हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे। निकल के यहाँ पे हम लोगों का टेंट है, रात को यहाँ पे ठहरने वाला हो। और यहाँ पे सनसेट होने वाला है, देख लो क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे नीचे भी कुछ टेंट लगा हुआ है। और ये जो मेन चढ़ाई है कल सुबह ही हम लोग करने वाला हो। लाइफ में एक बार तो यहाँ पे आना बनता है, और किसी को भी आना है तो 40 ईयर के पहले ही आ जाओ, नहीं तो इतना चढ़ाई है चढ़ नहीं पाओगे। I guess I thought you still might grow on me.